सोने का सांप और जादुई राक्षस भाग दो। आपने भाग एक में देखा कि चूचू नाम का लड़का कैसे सांप की मदद करता है, उसे खाना खिलाता है। बाद में वही सांप चूचू को एक जादुई बांसुरी देके जाता है। चूचू उस जादुई बांसुरी से सब लोगों की मदद करता है। ऐसे ही चूचू एक दिन एक गांव में पहुंच जाता है। वहां पर राक्षस का साया था जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर रखा था, और चूचू ने उस बांसुरी के जादू से उस राक्षस को हरा दिया और उस गांव से भगा दिया। साथ ही उसी गांव में अपना एक बड़ा सा महल बनाकर चूचू रहने लगा। चूचू ने अपने दोस्त सांप की सोने की मूर्ति अपने महल के द्वार पर लगवा रखी थी। इस स्टोरी को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका भाग एक जरूर देखें। अब गांव में इस सोने के सांप के कारण किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। पूरा गांव खुशी खुशी चल रहा था। पर एक दिन की बात है, एक बच्चा महल के पास में आता है। अरे ये क्या चीज है, ये तो मुझे बांसुरी जैसी लग रही है। और ऐसा कहते हुए वो बच्चा वहाँ पर रखी बांसुरी को उठा लेता है। ये वही जादुई बांसुरी थी। अरे हाँ, ये तो बांसुरी ही है। अरे वाह, इसको तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ खेलने के लिए। और ये कहते हुए वो बच्चा उस जादुई बांसुरी को अपने साथ ले जाता है और लाकर घर में रख देता है। इधर जब उस बच्चे की माँ घर को साफ कर रही थी तो अरे ये कुकू भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से कबाड़ ले आता है, अब क्या करूँ भला इसका मैं। अरे भाग्यवान, क्यों छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करती हो? लाओ मैंने आग जला रखी है यहाँ पर, इसी में डाल दो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लो। ऐसा कहते हुए वो औरत उस बांसुरी को भी आग में जला देती है। जैसे ही बांसुरी में आग लगती है यानी वो जल जाती है, तो दूसरी तरफ उस राक्षस को पता लग जाता है। अब वो बांसुरी वहां पर नहीं रही, अब मुझे उस गांव पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं फिर से वहां जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो राक्षस दोबारा गांव की तरफ आ जाता है। राक्षस के गांव में आते ही सारे गांव में हाहाकार मच जाता है। वहां पर चारों तरफ फिर से आग ही आग दिखाई देती है। सारे खेत बंजर हो जाते हैं। गांव वालों, तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। उस बांसुरी को तुमने खत्म कर दिया, अब मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, अब मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। और अब तो राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वो वहां पर इंसानों को पशुओं को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। गांव वालों, अब मैं रोज आऊंगा और तुम में से किसी न किसी को साथ ले जाऊंगा, उसी से मेरी भूख मिटेगी। ऐसा कहते हुए राक्षस रोजाना आने लगा और कभी पशु तो कभी इंसान, उसे जो भी मिलता उसे उठाकर ले जाने लगा। गांव के कुछ समझदार इंसान इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में बात की। अरे भाई हरिया, अब क्या किया जाए, ये राक्षस तो हर रोज आता है और किसी न किसी को उठाकर ले जाता है, ऐसे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा।
हाँ भाई सही कहते हो, ये दुख थोड़ा था क्या कि हमारी सारी खेती बर्बाद हो गई है, गांव में अब तो खाने के भी लाले हैं। अरे अब तुम ही बताओ इस समस्या का क्या समाधान किया जाए, आखिर इस समस्या का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है ना। हाँ भाई बिल्कुल, पर तुम लोग घबराओ मत, ये समस्या हमारे गांव में पहली बार नहीं आई, ऐसा काफी समय पहले भी हमारे गांव में एक बार हो चुका है। जो वो जंगल वाला महल है ना, वहाँ पर एक महान पुरुष रहते थे, उन्होंने ही बांसुरी से ऐसे एक राक्षस को पहले भगाया था। बांसुरी? हाँ हाँ, बांसुरी का जिक्र तो वो राक्षस भी करता है जब यहाँ पर आता है। लगता है अब तो हमें वो पुराना महल और उसका नाग देवता ही बचा सकता है। अगर बात बांसुरी की है भाई, तो शायद वो लकड़ी बांसुरी ही थी जिसे हमने अपने घर में जला दिया। शायद मेरा बच्चा उस महल से या कहीं से उसे उठा के ले आया था। ये संकट शायद मेरे कारण ही आया है इस गांव में। अरे भाई संकट चाहे किसी के भी कारण आया हो, लेकिन संकट तो है ना, अब तो इसका समाधान खोजो और उसके लिए हमें उस पुराने महल में ही जाना होगा। सारे गांव वालों को बोल दो कि वहीं पर जाकर छिपते हैं और उसी सोने के नाग की पूजा करते हैं, अब तो हमें इस मुसीबत से वही नाग देवता ही बचा सकते हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो चलो। ऐसा कहते हुए सारे के सारे गांव वाले उस महल की तरफ चले जाते हैं। राक्षस भूख लगते ही दोबारा से गांव में आता है। अरे कहाँ गए सारे गांव वाले? सारे गांव वाले मुझसे डर कर छुप गए क्या? मैं अपनी भूख मिटाने आया हूँ। ऐसा कहते हुए राक्षस गांव में चारों तरफ इंसानों को देखता है, पर गांव के सारे लोग तो उस पुरानी हवेली में जंगल में जाकर छिप गए थे। गांव में तो कोई भी नहीं है, आखिर कहां गए सारे? सारे गांव छोड़कर तो नहीं भाग गए मेरे डर से? अब मैं क्या खाऊंगा? अब लगता है मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। ऐसा सोचते हुए राक्षस चारों तरफ देखता है, पर उसे वहां पर कोई गांव वाला नजर नहीं आता। तभी इंसान की सुगंध इधर से आ रही है, इस जंगल में छिपे हैं सारे, उधर ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए राक्षस जंगल की तरफ महल की तरफ चल पड़ता है और महल के जाकर देखता है, उसे वहां पर दो इंसान खड़े मिलते हैं और सभी गांव वाले महल के अंदर छिप गए थे। सिर्फ दो इंसान वहां पर खड़े थे पहरा देने के लिए, ताकि वो गांव वालों को बता सके। तो यहां पर हो तुम और सारे गांव वाले इस महल के अंदर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए राक्षस महल की तरफ बढ़ता है। तभी वो गांव वाले नाग देवता से पुकार करते हैं। हे नाग देवता, अब तो तुम ही हमें बचा सकते हो। हाँ नाग देवता, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसे बांसुरी मिल गई थी खेलते खेलते, वो उसे घर ले आया और मुझे लगा ये बांसुरी किस काम की, तो मैंने उसे जला दिया। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मेरे बच्चे से गलती हुई है, लेकिन नाग देवता मुझे और गांव वालों को इतनी बड़ी सजा मत दो, हमें माफ कर दो नाग देवता। इतने में राक्षस वहां पर महल के सामने पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस औरत को उठाने लगता है, तभी वहां पर बिजली कड़कती है और एक आवाज आती है। हे राक्षस, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत इस गांव और इस जगह को छोड़कर यहां से चले जाओ,
अन्यथा यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? जिस बांसुरी से मैं डरता था उसका तो विनाश हो चुका है, अब मैं किसी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको खा जाऊंगा, इतने दिन गांव से दूर जो रहा हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ऐसा कहते हुए एक तेज रोशनी वहां से निकलती है और एक बड़े से नाग देवता प्रकट होते हैं। वो नाग देवता बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे और उनका आकार इतना बड़ा था कि राक्षस तो उनके सामने बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा था। ये क्या है? मैं नागराज हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा कहते हुए नागराज उस राक्षस को खा जाता है। मुझे बचाओ। और राक्षस का अंत हो जाता है। सभी गांव वाले नागराज की पूजा करते हैं। नागराज फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गांव में खुशियां दोबारा लौट आई और गांव के सभी लोग अब उस सोने की मूर्ति को पूजते हैं, वहां की पूजा करते हैं।